फिरका वारियत का खात्मा कर दिया इस दस्तरखान ने, यहाँ पर 30,000 लोग शहरी कर रहे हैं, लिसानी तासुब का खात्मा कर दिया इस दस्तरखान ने, किसी से उसका मजहब मसलक नहीं पूछ रहा, खिलाने वाला अपना मजहब मसलक नहीं बता रहा, खाने वाले से नहीं पूछा जा रहा। हमारी कैटेगरी अलग थी, हमारा अलग सिस्टम होता है, और शरारती बच्चे तो फिर आपको नहीं डांट कभी नहीं खाए, हम पिटाई वाले केस थे, हमारी पिटाइयाँ बहुत हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, कैसे हैं आप? जी खैरियत। जफर भाई, मैं एंटरटेनमेंट से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो रमजान मुबारक आपको, बहुत आपकी बहन बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। हम चाह रहे थे कि आज हम आपके साथ जो है वो इफ्तार करें, तो आप बताएं किधर हैं आप आज? मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा नुमाइश औरंगी वाले दस्तरखान पे। बेहतरीन हो गया जनाब, और हम अपनी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन भी लेकर आएंगे, और हमारे लिए बड़ी ये जो है एजाज की बात होगी अगर आप उसे एक्सेप्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल बहन, दें लोगों को, अपने लोगों को सर्व कर रही है ना आप सब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। आप फिर से बहन, आप फिर से बहन, आपको भी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रमज़ान की मसरूफियात 24 घंटे की मसरूफियात हैं, और यहाँ पर कराची में 26 मकामात पे सहरी अफ्तारी करा रहे हैं, उसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बहुत बड़े पैमाने पे सहरी अफ्तारी, और ये सारा काम जारी है, और टीमें सारी लगी हुई है, उसी पे काम चल रहा है सारा। जबरदस्त भाई, रमजान में वैसे भी इमाम घर जो है वो बैन कर दिया गया है, तो मैं बाइक देख रही हूँ, ये रिक्शे देख रही हूँ, इसके पीछे क्या है लॉजिक? असल में बेसिकली सिलसिला ये है कि शहर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग परेशान है, तो हमने सिलसिला ये रखा है कि जो भी लोग बेरोजगार हैं और एक मोटरसाइकिल से अगर वो किसी कंपनी में राइडर लग सकते हैं, या एक रक्शे से वो 60-65 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं, तो मुख्तलिफ मुखैर हजरात या नई मोटरसाइकिल रक्शे थे 27 रमजान को उसकी कुरानदाजी करके उनको इसमें कुछ भी नहीं, अपनी शिनाख्ती कार्ड की कॉपी और अपनी एप्लीकेशन जो है वो उस पर लिख दें कि भाई ये मोटरसाइकिल मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए वसीला रोजगार बन सकती है, और वो अपनी एप्लीकेशन शिनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ इस डब्बे में डाल देंगे, और उसके बाद इसकी कुरानदाजी होगी 27 रमजान को, और आपको मिल जाएगी। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी जितने भी लोग जो मुस्तहक हैं इस चीज़ों की, वो आके अपना यहाँ पे शिनाख्ती कार्ड जो है वो दे सकते हैं, जिनको रोजगार के लिए बाइक और रक्षा की जरूरत है, जिनको रोजगार के लिए चीज चाहिए वो दे सकते हैं, बिल्कुल उनको 27 रमजान की कुरानदाजी होगी। और जबरदस्त माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं देख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रौनक बढ़े जा रही है, लोग आए जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा आपके कराची में और कौन से मकामात पे आपने इस तरह से जेडीसी का दस्तरखान लगाया हुआ है? देखिए, जेडीसी की जानिब से कराची में 26 मकामात पे सारा साल खाने का इंतजाम है, माशाल्लाह। उसके अंदर शारे फैसल पे है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बहुत बड़े तादाद के लिए मोबाइल रेस्टोरेंट लगा हुआ है, जिना अस्पताल पे दुनिया का सबसे बड़ा 58 फीट का रेस्टोरेंट लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पे लगा हुआ है, चूंकि आई है चंडीगढ़ रोड के जो है लोग, इसके अलावा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस पे लगा हुआ है, इसके अलावा जौहर चौरंगी पे दस्तरखाने तंदूर लगे हुए, सुराब कोर्ट चौरंगी पे लगे हुए, अब्बासी शहीद अस्पताल पे लगे हुए, उसके अलावा जो अभी करीमाबाद पे रेस्टोरेंट बनाया है, फ्री रेस्टोरेंट, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे खाना और इससे रिलेटेड काम जो है बहुत खुल के कर रहे हैं, और हमारी और जेडीसी का तो ये इम्तियाज है, जेडीसी कहती है आप अगर बैठ के खाना ना खिलाएं अपनी फैमिली को, आप पार्सल लें और घर जाके दें अपनी फैमिली को, यही वजह है कि मुख्तलिफ शरारती अनासिर हमारे खिलाफ सारा साल यही सब कार्रवाइयां करते रहते हैं। तो जफर भाई, आप इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे होते हैं, और फिर जाहिर सी बात है हमारी आवाम हो गई है, कोई भी इंसान हो गया वो क्रिटिसिज्म से तो बाहर आता ही नहीं है, तो आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता होगा, ठीक है ना? अभी हम जो शहरी करा रहे हैं, सो दुनिया की सबसे बड़ी रोड पर होने वाली आवामी शहरी रोड पर, अब भाई अगर किसी दिन किसी मुखय्यर शख्स ने आम कराची के लोगों की दावत कर दी, तो अब वो कह रहा है दावतें आम है, बिल्कुल, अब उसमें ढूंढ रहे हैं कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके जिस्म पे तो कपड़े हैं, ये तो गरीब लगी नहीं रहे, बिल्कुल। अरे आपके दिमाग में गरीब की डेफिनेशन क्या है? जो बंदा 25,000 रुपए कमा रहा है उसके लिए तो नेमत है ना, उसको मंदी खिला रहे हैं यहाँ पर, उसकी खिदमत कर रहे हैं, अच्छा उसके बाद एतराज है जी आप इनको ये मंदी क्यों खिला रहे हैं, बिल्कुल, आप इनको अच्छी डिशें क्यों खिला रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी फिरकावारी है, कम्युनिटी वाले क्यों यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं? फिरकावारियत का खात्मा कर दिया इस दस्तरखान ने, यहाँ पर 30,000 लोग शहरी कर रहे हैं, लिसानी तासुब का खात्मा कर दिया इस दस्तरखान ने, किसी से उसका मजहब मसलक नहीं पूछ रहा, खिलाने वाला अपना मजहब मसलक नहीं बता रहा, खाने वाले से नहीं पूछा जा रहा, बात ही खत्म हो गई, जबरदस्त। तो ये सारी खिदमत है, यहाँ पर लाइव कढ़ाइयाँ लगी होती हैं दस्तरखान पे, आप शारे फैसल पे भी देखेंगे लाइव कढ़ाइयाँ लगी हुई, तो वहीं पकौड़े समोसे जलेबी तैयार हो रहा है, वहाँ फल फ्रूट आ रहे हैं लोगों को दिया रहे हैं, माशाल्लाह जिस जिसको जो खाने की क्रेविंग होती है वो यहाँ पे पूरी होती है, बिल्कुल होती है। आज अभी आज आप आई हैं, आज तैयारी हो रही है ग्रीन लेमन बिरयानी आज यहाँ पर शहरी में, और भाई बचपन में रमजान कैसे गुजरे थे आपने?
बचपन में रमजान इसी तरह से गुजरते थे कि लाजमी बात है कभी कच्चा पक्का रोजा, इसी तरह फिर उसके बाद जब उम्र हो गई तो रोजा, तो रोजा खुशाई हुई थी आपकी? हाँ बिल्कुल, रोजा खुशाई हुई थी, बताएं। ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये पता है सबके घर में हुई, हमारी भी होगी। अच्छा तो घर में कितने सिब्लिंग्स हैं आपके? हम लोग 5 बहन भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सभी शादीशुदा हैं माशाल्लाह, और वालिद साहब हैं, वालदा हैं। और आप किसकी फेवरेट हैं सबसे ज्यादा? मैं, हम सबके ही फेवरेट है, लाजिम आते हैं, हम चूंकि ज्यादातर घर से भारी रहते हैं और ये तो लड़ाई होती थी घर में? नहीं नहीं नहीं, लड़ाइयाँ नहीं, और अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा तो आप वो वाले भाई की जिसके पास सब लोग एडवाइस के लिए आते थे? हम घर में होंगे तो आएंगे ना, हम घर में ही नहीं रहे। कॉल भी तो कर लेता है ना? हाँ, लोग मशवरा लेते हैं, बहन भाई सब लेते हैं, लेकिन ये लाजमी बात है, भागा दौड़ी मुश्किलात, बिल्कुल। यहाँ से भी अभी देखें सुबह 7 बजे जाते हैं, फिर 4 बजे कभी यहाँ है, कभी अब्बासी शहीद अस्पताल पे, कभी शारे फैसल पे, कभी कहीं है, और मुश्किलात भी बहुत है ना, कहीं डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं हमारे फ्री, कहीं कोई मुश्किल आ रही है हमारे ओल्ड एज होम है, यतीम खाने, कहीं किसी बुजुर्ग के साथ कोई मुश्किल आ रही है, तो भागा दौड़ी सब चक्करों में आए। मैं आपको जरूर बचपन याद आता है? हाँ हाँ, एक एक चीज याद है, क्या क्या दवाइयाँ मचाई हमने बचपन में, सब याद। थोड़ी बताएं क्या क्या दवाइयाँ मचाई आपने? नहीं, हम स्कूल के मशहूर लोगों में से हैं, ऐसी बात है। बाकी कोई एक तो किससे तो बताएं जल्दी से। वो सारे किस्से मिठाई वाले ही हैं, बताने काबिल नहीं है, लेकिन मशहूर लोग हैं, ऐसी बात नहीं। फिर भी कोई एक किस्सा चाहती हूँ कि मैं अपने वापस जाऊँ बचपन में, अपने दोस्तों के पास जाऊँ, उन्हें उसे रिलेट करूँ। बिल्कुल करें यार, हमने तो बचपन बहुत जबरदस्त गुजारा है, और हमने हर चीज में एंजॉय किया है, हर चीज में हमने। स्पोर्टी थे आप? स्पोर्ट्स खेलते थे? लेकिन हम शरारती वाली कैटेगरी में थे। अच्छा, यानी वो जो बैक बेंच उठाते हैं? हमारी कैटेगरी अलग थी, हमारा अलग सिस्टम होता है, और शरारती बच्चे तो फिर आपको फिर तो टीचर से बहुत डांट खाई होगी। नहीं नहीं, डांट कभी नहीं खाया, हम पिटाई वाले केस थे। अच्छा, हमारी पिटाइयां बहुत हुई हैं। जबरदस्त भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने फिर तो गली में क्रिकेट भी खेला होगा? हाँ बिल्कुल, खेला भी है, टूर्नामेंट भी कराए, सब कुछ। जबरदस्त, तो अभी अभी क्यों नहीं खेल रहे? अभी खेलते हैं, अभी टाइम ही नहीं है, अभी तो इतनी टेंशन ज्यादा लाइफ है हमारी, इसकी कोई इंतजार नहीं है। और आप देखिए फलाई कामों में भी बहुत तंग करते हैं लोग, और इंतहा तो ये है कि वीडियोज डालते हैं कि यार ये देखो ये गैर मुस्लिमों के लिए काम करता है, उनकी मदद करता है, राशन दे रहा है, उसको मार दो, और ये और वो थ्रेड अपनी ज्यादा है। आपको थ्रेड्स भी तो आती होंगी, तो घर वाले डरते होंगे बहुत ज्यादा? नहीं, चूंकि घर वाले जानते हैं, इतना ज्यादा फेस कर चुके हैं, देख चुके हैं, हमारे बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं जिनको 2012-13 में जिनका कत्ल हुआ, उन्होंने देखा, जानते हैं कि जो होना होगा होगा, काम तो करना है ना लोगों को। घर में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? घर में सबसे अच्छा खाना वालदा बनाता है। माशाल्लाह, क्या फेवरेट डिश है वो? तमाम चीजें आउट क्लास बनाती है, उनका उनके लेवल का पराठा बस बना दें आप। ये उनसे अच्छा पराठा कोई नहीं बना सकता, उनसे अच्छा आलू का पराठा कोई नहीं बना सकता, उनसे अच्छा कोरमा कोई नहीं बना सकता। भूख लगती है मुझे, मेरी बेगम उसके करीब करीब की डिशें बनाती है, करीब करीब की, लेकिन उस जैसे। तो भाई अच्छा, बेगम के हाथ में सबसे अच्छा क्या पसंद है आपको? बेगम भी सारी चीजें बेहतर बनाती है, नाश्ता क्योंकि हम घर में करते हैं इसलिए नाश्ता ही सबसे अच्छा है, बाकी तो हम घर में होते ही नहीं है, तो इसलिए वो चीजें। आपकी लाइफ में इतने सारे वाकयात हुए होंगे, कोई एक अच्छा वाक्य, कोई दिल दहलाने वाक्या तो बताएं? मैं दिल दहलाने वाला क्या आपको वाक्य बताऊं, मैं भी सुबह यहाँ बैठा हुआ था, तो एक साहब अपनी बेटी को गोद में लेकर आए थे, 4 साल की बेटी थी, और एक ही औलाद खुदा ने उनको दी थी, और वो तकिए बनाते हैं, और 12,000 रुपये शायद महीने में कमाते हैं, और बेटी 1.5 साल की थी, तबीयत खराब हुई, एक अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने गलत कोई दवाई लगा दी, तो उसके दिमाग में बच्ची के पस बनने लगा, और उन्होंने जब उस पस को साफ़ किया तो दिमागी डैमेज कर दिया। अब वो बच्ची ना सुन सकती है, देख सकती है शायद, और लेकिन ना हिल सकती है ना बोल सकती है, उसका सर बड़ा हो गया है, और 4.5 साल की हो गई है, माँ बाप का बहुत सख्त इम्तिहान है, उनके घर के डॉक्टरों ने बोला है इस बच्ची को एसी में रखें, और वो शीट में रहते हैं टीन की, और धूप पड़ती है, एसी का बिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, एसी नहीं लगवा सकते। उन्होंने बताया बच्ची को कोई टेस्ट कराना है 40,000 रुपये का, खानदान में जिससे पैसा मांगते हैं वो कहते हैं तुम्हारे घर में तो ऐसी औलाद है, तुम्हें तो रोज़ाना पैसे चाहिए, तो क्या रोज़ाना देंगे, चलो भागो यहाँ से। तो बेचारा ये बात बताते हुए रो रहा था, वो क्या रो रहा था, जो जो बैठे थे हम सब रो रहे थे कि देखें खुदा ने एक इम्तिहान लिया उसका, उसकी मर्जी से उसके बच्ची के साथ ये सब कुछ नहीं है, उसके घर में एक सेहतमंद बच्ची पैदा हुई थी, और अब वो बेचारे दूसरों के बच्चों को देखते होंगे 4 साल के, उसकी बच्ची दौड़ रही है, चल रही है, स्कूल जा रही है, हमारी बच्ची स्टिल गोद में, ना हिल सकती है, ना बोल सकती है, ना कोई भी काम, वो पैंपर पहनाना है उसको एनी टाइम, और वो सिर्फ आसमान देखती रहती है, और बड़ा अफसोसनाक था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो सकता है, उन्होंने कहा अगर यहाँ के डॉक्टरों को मैं दोबारा देता हूँ फिर कोई तजुर्बा करेंगे तो कहीं मेरी बेटी मरी ना जाए, अभी कम से कम वो जिंदा लाश तो है ना। यहाँ डॉक्टर्स भी कुछ ना है इस तरह के, जो किसी ने किया उनके साथ गलत, उन्होंने तो नाम बताया मुझे लेकिन मैं नहीं लेना चाह रहा नाम, और अस्पताल का भी नाम बताया किसने तजुर्बा किया, लेकिन बात यह कि वाकयात ही वाकयात हैं। अभी परसों भी एक साहब यहाँ आए हुए थे बेचारे, उनकी बहन जो है वो डिप्रेशन में आके फिर उसका पागल हो गई, एक भाई है उसका गलत ऑपरेशन हो गया दिमाग का, उसके जिस्म पे फालिज आ गया, दिमाग का ऑपरेशन था, वालदा को पता नहीं एक बीमारी है, मतलब 5 माजूर लोगों के साथ वो रहते हैं, और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और इस वक्त उनका कहना ये था कि मैं नुमाइश औरंगी को खुदकुशी करने के लिए आया था।
और डिप्रेशन का लेवल ये, घर की बिजली कटी हुई उनकी 1.5 महीने से, घर में 4 मजदूर लोगों के साथ रह रहे हैं चौथी मंजिल में। तो हमारे पास तो चूंकि हम बिला तफरीक काम कर रहे हैं, हम आने वाले किसी केस से उसका मजहब जबान मसलक नहीं पूछते, तो उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं सारा दिन, एप्लीकेशन का जोर बहुत ज़्यादा है और हर एक केस एक मुसीबत है। देखिए ज़रूरी नहीं है गरीब आदमी, इस वक्त मिडिल क्लास आदमी जब आता है ना और वो हमारे दरवाजे पर खड़ा होता है, उसका हुलिया हम देखते हैं तो नहीं लगता कि ये मांगने देने आने वाला लग रहा है, लेकिन जब वो आके बैठता है और उसके होंठ कांपना शुरू करते हैं, अंदाजा हो जाता है कि ये किसी मुश्किल में। और उसके बाद वो जेब से पर्चा निकालता है, इसमें उसका लिखा होता है बेटी की फीस के वाउचर हैं या घर का रेंट नहीं दिया 4 महीने से, 60,000 रुपये तनख्वाह है और बच्चों की फीसें चढ़ चुकी हैं, 2 महीने सैलरी नहीं मिली है, और फिर उसकी आंख से जब पहला आंसू कतरा गिरता है, यकीन जाने सामने बैठा हुआ आदमी अपने आप को संभालने बहुत मुश्किल होता है। तो इस वक्त लोगों के हालात बहुत ख़तरनाक है। मैं तो यही बोलूँगा जिसके पास रोज़गार है, जिसके पास वसाइल हैं, अल्लाह ताला उनके वसाइल को जारी रखे, और जिनके पास नहीं है परवरदिगार उनके लिए वसाइल के असबाब पैदा करे। लोगों के हालात हमारे मुल्क में अच्छे नहीं है, बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर। नहीं, आपने ये जो किस्सा बताया इस वक्त मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं इस वक्त आपसे क्या कहूँ। मैं तो चाह रही थी कि आप कोई अच्छा भी बताएं और दिल दहलाने वाला बताएं, लेकिन आपने जो ये किस्सा बताया इससे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। देखिए हमें हम जिस माशरे में रहते हैं जो है किस तरह मजबूर हो जाता है, चाहे फिर वो सफेद पोशी क्यों ना, उस मजबूर के बाद उसके सगे उसके साथ क्या करते हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर हम मेरे बेटे की शादी हो रही है और मेरे कोई बहन भाई मुझसे गरीब हैं फाइनेंशियली तौर पे, तो क्या मैं उनको स्टेज पे बैठाऊंगा? मदद तो बहुत दूर की बात है। हम बिठाएंगे नहीं, पिक्चर्स में नहीं लाते, हम तो इनवाइट नहीं करते। हम अगर खुदा न खास्ता उनके घर में कोई बच्चा डिसेबल है तो क्या हमारी कोशिश होती है हम उसको स्टेज के ऊपर बैठाएं उस बच्चे को या उसकी उस बेटी को स्टेज पे आने का मौका देंगे? नहीं, हमारा तो मियार ग्लैमरस ड्रेसिंग है, हमारा मियार शोहरत है, हमारा मियार पैसा है, फलाने रिश्तेदार के जो शौहर हैं उनके साथ गार्ड चलते हैं तो वो स्टेज पे नजर आए। सगी बहन चूहे नहीं है उसके शौहर की आमदनी, उसके बच्चों के कपड़े, तो हमने तो मियार बढ़े। हम तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसको अपना दोस्त नहीं बनाते जिसके हाथ में अच्छा मोबाइल ना हो, जिसके पास अच्छी मोटरसाइकिल अच्छी गाड़ी ना हो, जो रोजाना कैंटीन में खाना अच्छा ना खिला सकता हो। मैं क्यों नहीं बोलती लड़की अपने वालिद को, रक्षे वाले को, पापा आप जल्दी आ जाइएगा आज क्लास 3 बजे, वो क्यों बोलती है चाचा मामा खान साहब? उसको पता है मेरी सहेलियों ने अगर सुन लिया कि ये इसके वालिद साहब हैं तो कल से उसका बायकॉट कर देंगी, सोशल बायकॉट, उसको अपने साथ नहीं बैठाएंगी। हम जिस माशरे में रह रहे हैं हम बहुत ही अजीब माशरा है। और तो सोशल डिलेमा को, इस साइकी डिलेमा को किस तरह से कम किया जाए? तो खुल के कर रहा हूँ, आवामी प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, पर आप अमीर गरीब को साथ बैठा रहा हूँ उन लोगों को जो ये नहीं कम कर। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, देखें अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि आप जब अपने घर में शाम में चाय पे बैठते हैं तो आपके जगड़ दादा पर दादा का तस्करा होता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और अगर उनके तस्करे नहीं हो रहे तो फिर आपके भी तस्करे नहीं होने, ये याद रखिएगा। कुछ ऐसा कर जाए, कुछ लोगों के लिए ऐसा कर जाएं, इंसानों के लिए ऐसा कर जाएं, यतीमों मिस्कीनों के लिए, खानदान के गरीबों के लिए ऐसा कर जाएं कि उसकी सवाब आपको मिलता रहे, उसकी नेकियां आपको मिलती रहें। किसी एक खानदान के गरीब बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दें, सबका ना कराएं, जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं किसी एक खानदान के बच्चे को उस स्कूल में करा दें। 10 साल बाद एक काबिल बच्चा जब निकलेगा, जब तक वो जिंदगी में खाता कमाता रहेगा, परवरदिगार आलम उसको सवाब आपको देता रहेगा। मैं नहीं कहता कि आप किसी इदारे को चले आए देने के लिए, अपने खानदान अपनी बरादरी में देखें कमी है लोगों की। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपने इतनी अच्छी एक एडवाइस दी यहाँ पे। और दूसरी चीज मैं देख रही हूँ यहाँ पे बॉक्सेस बन रहे हैं और इफ्तारी के जो है थाल भी लग रहे हैं यहाँ पे। देखिए तो तकरीबन कितने थाल चले जाते हैं आपके? देखिए हमारे यहाँ पर अगर शहरी की बात करेंगी तो 15,000 थाल माशाल्लाह है, और इस वक्त हम तकरीबन 15,000 लोगों कर रहे हैं, यानी 4 से 5,000 थाल इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये इस वक्त यहाँ पर इफ्तारी तैयार हो रही है, जबरदस्त, और ये सब चीजें यहीं पकती है। यार जफर भाई, आपने कभी सोचा था लाइफ में कि आप, ऑब्वियसली बचपन में इंसान सोचता है कि उसने पायलट बनना है, उसने आरजे बनना है, उसने बहुत कुछ बनना है, तो आपने कभी सोचा था कि आपने इस तरह सोशल वर्किंग में जाना है? देखें सोशल वर्कर तो पैदाइशी होता है ना, सोशल वर्कर जो होता है वो पैदाइशी होता है, वो किसी के कोई प्लानिंग से नहीं बनता सोशल वर्कर। होता क्या है, घर के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स, कोई मेहमान कोई चीज 3 ले आया और बच्चे 4 हैं, बिल्कुल एक बच्चा खुद से विड्रॉ कर जाता है कि मेरा आज मूड नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल सही ना, तो वो बच्चा जो होता है सोशल वर्कर होता है। आप रोड पे पड़ा हुआ कोई पत्थर भी कभी देखेंगे कि कोई शख्स बगैर पैसा उजरत लिए पत्थर साइड पे कर रहा है, तो वो सोशल वर्कर है ना। तो इसी तरह हम सोशल वर्कर हैं पैदाइशी, इसके लिए किसी प्लानिंग की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे आपके पास कोई वॉलंटरी काम करना चाह रहा है वो आपको किस तरह से रीच करता है? यहाँ पे जो वर्कर्स हैं सारे वॉलंटरी काम करते हैं? ये सब वॉलंटरली काम करते हैं, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं। एंथोनी, ये एंथोनी है। Hi, ये how are you? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं फॉर द लास्ट 6 से 7 इयर्स में हूँ। वाओ, दिस इज सो ग्रेट, सो नाइस टू मीट यू। यहाँ तो देखिए ये कमाल नहीं है कि यहाँ पर
जो लोग सहरी करने आ रहे हैं, अफ्तारी करने आ रहे हैं, कोई उनसे उनका मजहब मसलक नहीं पूछ रहा, कोई उनसे उनकी जबान नहीं पूछ रहा, रंग नहीं पूछ रहा, सब मिलके खा भी रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, लोग एक हो रहे हैं, मोहब्बतों का पैगाम जा रहा है पूरी दुनिया में। नहीं, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, रियली नाइस। इंशाल्लाह हम जरूर आपके साथ अफ्तारी करेंगे अभी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपकी माशाल्लाह से अभी की जो भी पूरा लाइफ है, जब रमजान में चल रहा होता है माशाल्लाह 30 रोजे तक, तो हमारे व्यूअर्स ने देखी है, तो वॉलंटियरली भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू रील्स, वो अपलोड करेंगे, आपको टैग कर देंगे, तो आप इन्हें प्लीज बताएं कि आप। मैं बस एक ही गुजारिश करूंगा छोटी सी आप लोगों से, आपके चैनल के तवज्जो से, सहरी अफ्तारी में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि ये एक दिहाई से ज़्यादा से हमने फ्री डायलिसिस सेंटर शुरू कर दिया है पूरे कराची में, लियाकताबाद में खोल दिया है, सरजानी टाउन में खोल दिया है, अभी ये गुलशन इकबाल में खोल दिया है, औरंगी कोरंगी हर इलाके में खोल रहे हैं। एक डायलिसिस 15,000 का है, हफ्ते के 3 डायलिसिस कौन करा सकता है 45-50,000 के, फ्री डायलिसिस। आगे बढ़ें अपनी जानब से, अपने मरूमी की जानब से, एक एक मशीन दे दें, ज़कात से लगवा दें, खैरात से लगवा दें, फ्री डायलिसिस, किसी से पैसा रुपया नहीं लिया जाता। कराची में 50 डायलिसिस सेंटर मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान भर में खोल लें, उसमें हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। JDC फाउंडेशन का पेज है, वहाँ से रब्ता कर लें, हमारे फोन नंबर जो उन पर रब्ता कर लें, जहाँ बोलेंगे हम खुद चल के आ जाएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच।